तो दोस्तों, एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं। आज क्या है जो यूके पीसीएस उत्तराखंड आरओ एंड एआरओ का जो है असिस्टेंट रूबी ऑफिसर का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। 137 पोस्टें हैं इसमें टोटल। आइए आगे देखते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कोई फालतू की चीज़ें मैं नहीं डिस्कस करूँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो आप मतलब फॉर्म भरने में इम्पोर्टेंट है, वही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेट अप्लीकेशन जो है 8/9/2023 से भरा जा रहा है और लास्ट डेट है 29/9/2023 है। इस फॉर्म को आप करेक्ट कर सकते हो 5 से 14 अक्टूबर 2023 तक का। और इसकी जो फ़ीस है अप्लीकेशन जनरल ओबीसी ओईडब्ल्यूएस की 222 रुपया, एससीएसटी की 102 रुपया है और पीएस दिव्यांग की 22 रुपया है। ठीक, आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड से कर सकते हो। और यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का जो एज लिमिटेशन है 1/7/2023 से काउंट होगा। मिनिमम 21 और मैक्सिमम कितनी, 42 साल एज होनी चाहिए आपकी। बात करते हैं कि आरओ के लिए रिव्यू ऑफिसर के लिए टोटल 69 पोस्टें हैं। इसमें आपका होना चाहिए बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, हिंदी टाइपिंग 4000 कीवर्ड डिप्रेशन पर आर पर आवर्स दिखा है इसमें, इंग्लिश टाइपिंग 8000 की डिप्रेशन पर आर, प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन कंप्यूटर नॉलेज विंडो या इंटरनेट एमएस वर्ड होना चाहिए आपका। क्लियर। अच्छा, एआरओ की बात की जाए 68 है पोस्टें, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग 4000 कीवर्ड होना चाहिए डिप्रेशन और इंग्लिश टाइपिंग में 9000 कीवर्ड। क्लियर, डिप्रेशन पर आर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बात कर लेते हैं कि वही कंप्यूटर नॉलेज विंडो या इंटरनेट एमएस वर्ड एक्सेट्रा। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो इसका सेंटर कहाँ कहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो सेंटर की बात की जाए तो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़, हल्द्वानी है, रुद्रपुर है, खातिमा है, बागेश्वर है, श्रीनगर है, गोपेश्वर, न्यू तेरही, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार एंड रुड़की है। क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वही चीज़ें डिस्कस करी जाएगी। समीक्षा अधिकारी के लिए 69 पदों की मैंने बताई दिया था और इसका जो वेतन है वो आपको 47,600 से लेकर 1,51,000 तक मिलेगा लेवल 8, और ग्रेड पे क्या है 4800 है। 4800 शैक्षिक योग्यता, मतलब वही आपका भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विषय स्नातक होना चाहिए, बाकी मैंने ये बता ही दिया है। ठीक है, विंडो कंप्यूटर के आधारित, मतलब कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की वो 4000 की, और की डिप्रेशन प्रति घंटा होना चाहिए 3, कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण के अभ्यर्थियों के लिए 8000। क्लियर है। और 4 कंप्यूटर के आधारित आधारभूत ज्ञान परीक्षण की जाएगी, जिसमें आपको विंडो एवं इंटरनेट एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट आपको आना चाहिए। कंप्यूटर पे मतलब जो न्यूनतम अंक है वो 40% अंक अनिवार्य है। ठीक है, सेकंड क्या है, राज्य परिषद कार्यालय हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विषय स्नातक उपाधि के या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या उसके समकक्ष कोई आपका होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण की न्यूनतम 4000 डिप्रेशन प्रति घंटा और होने की आवश्यकता है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी की टंकण की बात की जाए तो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। क्लियर है ना, बाकी से मतलब नहीं है। आयु सीमा मैंने बताई दी 21, मिनिमम 21, मैक्सिमम कितना, 42 साल। समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो समीक्षा अधिकारी की आगे बढ़ते हैं, उसमें दिया होगा। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में कितनी पोस्टें हैं, 68। क्लियर, समीक्षा अधिकारी की बात की जाए तो 68 पोस्टें हैं, 44,900 से 1,42,400 तक का लेवल 7 और ग्रेड पे कितना है 4600 है ना। अच्छा, शैक्षिक योग्यता की बात की जाए तो वही आपका एक डिग्री होनी चाहिए और आपको दूसरा क्या, कंप्यूटर हिंदी में टंकण की न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होना, और तीसरा कंप्यूटर पे अंग्रेजी टंकण करने की कर सकने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम अधिमान दिया जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के अंग्रेजी न्यूनतम 9000 डिप्रेशन प्रति घंटा होना अनिवार्य है। 4 कंप्यूटर के आधारित जिसमें आपको सम्मिलित है विंडो इंटरनेट एमएस वर्ड एमएस एक्सेल एमएस पावर पॉइंट है।
ठीक है, और जो कंप्यूटर की पास करने की न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हम लोग, जो इम्पोर्टेंट वही मिनिमम एज की बात की जाए तो मिनिमम 21, मैक्सिमम कितना 42 साल, ठीक। अच्छा अगर आप फॉर्म भर रहे तो एग्ज़ाम कैसा पैटर्न कैसा होगा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के राजस्व परिषद कार्यालय के अंतर्गत अधिकारी और मतलब आर ओ आर ओ दोनों के लिए प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन एवं बुद्धि परीक्षण, वास्तविक प्रगतियोगी प्रश्नों की संख्या 150, अधिकतम अंक 150 और टाइम कितना 2 घंटा। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो सामान्य अध्ययन हिंदी और निबंध, तो सामान्य हिंदी में बहुविकल्पी जो वास्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 200 अंक के, अधिकतम समय 3 घंटा। हिंदी संरचना परंपरागत प्रकृति के 5 क्वेश्चन, प्रश्नों की संख्या 5 है और अधिकतम अंक 100 है और समय अवधि 3 घंटा। निबंध की परंपरागत प्रकृति 3 क्वेश्चन, 100 अधिकतम अंक 100 और समय अवधि 3 घंटा। प्रयोगात्मक परीक्षा कंप्यूटर पर आधारित जो होगी वो अधिकतम 100 अंक की 1 घंटा दिया जाएगा। टंकण परीक्षा के लिए 10 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग दिए गए के लिए क्या होगा, कटेगा, ठीक है। 1 से अधिक दिए जाने पे 1/4 अंक निगेटिव मार्किंग है, क्लियर। अच्छा सामान्य अध्ययन में आपका जो 100 अंक का होगा उसमें सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर संबंधित, भारत का इतिहास होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, समसामयिक की घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास और उत्तराखंड की संस्कृति इत्यादि, क्लियर। आगे क्या होगा, उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक व प्रशासनिक परिवेश, प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्या कहते हैं कि आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में 50 अंक का होगा, इसमें क्या होगा कि आपका सभी चीज़ें मतलब कोई स्थानीय कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य विभेद, अवलोकन, अंगणित तर्कीय, चिता वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला इत्यादि, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, मतलब सभी दिया है, कोई पार्ट छोड़ा नहीं है इसने। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी सामान्य अध्ययन की, सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास की दृष्टि से कंप्यूटर का प्रारंभिक एवं उसका अनुप्रयोग, भारत व उत्तराखंड इतिहास और भारत राष्ट्रीय आंदोलन और भारत एवं उत्तराखंड का भूगोल व जनसंख्या, आपदा प्रबंधन न्यूनीकरण और भारतीय राज्य व्यवस्था या अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, पंचायती राज्य अधिनियम, ठीक है। हिंदी संरचना की बात की जाए तो समय 3 घंटे की दी जाएगी, अधिकतम 100 अंक का होगा। हिंदी संरचना में 5 प्रश्न अंक होंगे, जिसमें से आपको क्या करना कि किसी भी जो आपको किसी दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक खा के मूल गद्यांश का 1/3 मतलब वो प्रेसी टाइप में गद्यांश अंशों की व्याख्या करनी होगी, ठीक है। 10 अंक का है, और किसी दिए गए सरकार पत्र, सरकारी पत्र का टेबलर में 7 लेखन, ये क्या है 15 अंक का। पत्ताचार 15-45 अंक, ठीक है। अच्छा और उससे ही पत्राचार में शासकीय होगा, अर्धशासकीय होगा, कार्यालय अध्यक्ष, कार्यालय ज्ञान, विज्ञप्ति, परिपत्र एवं टिप्पणी, परिभाषा शब्दावली 12 शब्द दिए जाने में कोई 10 करने होंगे आपको, और रूपांतरण 12 दिए गए हैं कोई 10 करने होंगे, ये 10 अंक होंगे, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न निबंध होगा, 100 अंक का होगा, समय अवधि 3 घंटे का। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत काखागा 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड से एक से एक शीर्षक से चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा कुल 3 निबंध एवं अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। दूसरा क्या होगा कि साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र 635 अंक, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, दूसरा आर्थिक क्षेत्र, तीसरा कृषि व्यापार, शब्द सीमा 600 अंक कितना 35, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि, और राष्ट्रीय विकास योजना, ये कितना है 600 अंक, और ये 600 नंबर का, 600 शब्द और 30 अंक का, ठीक है। तो ये पूरा था डिटेल उसका, बाकी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा।